हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच के रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी को, ठीक है ना। कि क्लासिकल, अब पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि कैसा केन्स का क्या क्या लिमिटेशन था जिसके कारण ये रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी आया है। अब जब ये आया है तो ऑब्वियसली क्लासिकल ने कुछ रीजन फाइंड आउट किया होगा ना इसको खोजने से पहले, तो वो रीजन हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पहले मैं बता देता हूँ कि वीडियो में क्या होने वाला है। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एंटीसिपेटेड पॉलिसी एंड अनएंटीसिपेटेड पॉलिसी ऑन इकोनॉमी। लाइक मैं बता दूंगा अभी कि ये एक्चुअली क्या है, तो ये दोनों चीज पढ़ेंगे। एंड ग्राफिकल अप्रोच, ऑब्वियसली ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे, मतलब एक्चुअली ग्राफिकल जर्नी के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला, रैशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है। कोई भी एक्सपेक्टेशंस जब हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैंने राजू से सुन लिया कि श्याम ने मेरे बारे में ये कहा है, बस मैंने एक एक्सपेक्टेशन बना लिया कि वो बहुत गंदा सोचता है मेरे बारे में, वो हमारी दोस्ती को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, बस खत्म। ये हो गया एक तरफा बात, ठीक है ना। बट अगर मैं सिर्फ राजू का नहीं सुनूं, अगर मैं बाकी सारे दोस्तों से बात करूं कि क्या श्याम मेरे बारे में ऐसा बोलता है, या फिर मैं इनफैक्ट श्याम से भी अगर बात करूं, ऐसे बहुत सारी चीजें, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं उन सारे इन्फॉर्मेशन को लूं एंड उसके बाद डिसाइड करूं वेदर श्याम जो है वो मेरे को सच में पसंद करता है भी कि नहीं, या फिर क्या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है हमारे बीच, तब जाके उन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद अगर मैं किसी डिसीजन पर पहुंचता हूं, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये रैशनली हमने उस चीज को डिसाइड किया है, ठीक है ना। तो वो भी यहां पे भी जो पॉलिसी जो है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वही कहते हैं कि जैसे केन्स ने क्या कहा था, सिर्फ पास्ट बिहेवियर ऑफ प्राइसेस पे हम लोग डिपेंड होता है कि लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आगे चल के आने वाले जमाने में प्राइस इतना महंगा इतना बढ़ जाएगा, तो फिर उन लोग उसके अकॉर्डिंग फिर आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सब जो है वो शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। बट क्लासिकल कहते थे नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इसके साथ साथ आपका सिर्फ पास्ट बिहेवियर ऑफ प्राइसेस पे ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड डिफरेंट थिंग्स, जितने भी चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर सकती है हमारे इन्फ्लेशन को और आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को, उन सारे चीजों को एक साथ देखने के बाद हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वेदर सच में महंगाई बढ़ेगा भी कि नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज क्लासिकल कहना चाहते थे। चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये चीज अभी बता दिया कि केन्सन क्या कहते थे एंड क्लासिकल क्या कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चेंजेस इन मनी सप्लाई। क्लासिकल क्या कहते थे कि जो मनी सप्लाई, फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉलिसी लेते हैं कि हाँ मनी सप्लाई हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज करने वाले, तो क्लासिकल कहते हैं कि उनका क्या कहना था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में ही आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है, यानी कि जो रियल वेरिएबल्स है, वो अनचेंज रहेंगे, ठीक है ना। जबकि केनेशियन ऐसा नहीं कहते थे, वो कहते थे कि नहीं, सब में जो है फ्लक्चुएशंस आएंगे, ठीक है। बट क्लासिकल जो है ये इस चीज से मानते नहीं थे। इन्होंने क्या कहा कि देखो, इम्पैक्ट जो है वो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे वो दो तरीके से पड़ सकता है। अगर लोग एंटीसिपेटेड यानी कि एक्सपेक्टेड, अगर लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं पॉलिसी जो है वो आने वाला है, फॉर एग्जांपल जब सपोज कर लो 2010 में जब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया था, तो गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। लोगों ने देखा, अच्छा मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई को ये लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उससे अनएम्प्लॉयमेंट को बैलेंस किया जाए। ओके, तो अब मतलब सपोज कर लो कि अगर 2020 में फिर से अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो लोग क्या सोचेंगे, यार मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, तो उनका एक एक्सपेक्टेशन बन गया कि हाँ मनी सप्लाई इंक्रीज हो सकता है। तो ये चीज कहते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि अगर वो पहले से ही एक्सपेक्टेड है तो उसका आउटकम जो है वो डिफरेंट होगा, एंड अगर वो अनएंटिसिपेटेड है तो उसका आउटकम डिफरेंट होगा। देखते हैं क्या होगा आउटकम। सबसे पहला इस केस को देखते हैं। अगर अनएंटिसिपेटेड है यानी कि लोग एकदम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मनी सप्लाई इंक्रीज होने वाला है, या फिर इकोनॉमी में मनी सप्लाई वाला पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट होने वाला है, तब क्या होगा। ऑब्वियसली जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, मेरा एग्रीगेट डिमांड जो है वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जैसे ही इंक्रीज हो गया, मेरा आउटपुट जो है वो इनिशियल लेवल, पहले तो हम लोग इनिशियल लेवल में मेरा एक एग्रीगेट डिमांड था, एक एग्रीगेट सप्लाई था, ठीक है। इनिशियल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, सप्लाई था लेबर का, और डिमांड था लेबर का, ठीक है। ये सब इनिशियल लेवल, N0 जितने भी दिख रहे हैं वो सब इनिशियल लेवल है, ठीक है। मैं सबका नाम नहीं बता रहा, बट फिर भी यहाँ पे वाई से मतलब हमारा आउटपुट है, पी से हमारा प्राइस है, एन से हमारा एम्प्लॉयमेंट है, डब्ल्यू से हमारा वेज है, ठीक है।
ओके तो इनिशियल लेवल पे ऐसा था, फिर जैसे ही एग्रीगेट, जैसे ही मनी सप्लाई इंप्लीमेंट होता है हमारी इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गया। ऑब्वियसली जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, दोनों ही इंक्रीज हो गया। अब ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए ज्यादा लेबर लगेंगे, तो ज्यादा लेबर लगेंगे तो उनका डिमांड इंक्रीज हो गया। जैसे ही लेबर का डिमांड इंक्रीज हो गया, ऑब्वियसली लोग, लेबर सप्लायर जो लेबर को सप्लाई देता है, जिनका जो लोग लेबर की सप्लाई देते हैं, वो देख लिया कि लेबर की डिमांड की, लेबर का जो डिमांड है वो ज्यादा है, तो वेज रेट इंक्रीज हो गया। वेज रेट जैसे ही इंक्रीज हो गया, ऑब्वियसली देखो मनी सप्लाई इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, लेबर डिमांड इंक्रीज, वेज रेट इंक्रीज। तो ये था हमारा नॉर्मली अनएंटिसिपेटेड केस, जो कि केनेशियन भी कहते थे कि हाँ, अगर मनी सप्लाई या फिर कोई भी पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट होता है इकोनॉमी में तो ऐसा ऐसा सिचुएशन होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जो हमारा आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, वो दोनों भी अपने अपने इक्विलिब्रियम रेट से हट जाएगा, और प्राइस तो ऑब्वियसली वो तो इंक्रीज होगा, प्राइस और वेज तो इंक्रीज होगा, वो चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग रन हो। ठीक है, तो एज ये चीज कहते थे। तो देखा जाए तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है और केनेशियन इकोनॉमिक्स जो है, वो अनएंटिसिपेटेड वाले केस में दोनों ही सिमिलर है। वो दोनों ही कहते हैं कि नहीं, अगर अनएंटिसिपेटेड है पॉलिसी, देन डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में, क्लासिकल भी यही कहते थे कि शॉर्ट टर्म में हमारा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो वो नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल स्टेज या फिर बैक टू इक्विलिब्रियम पोजिशन में नहीं आएगा। बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और केनेशियन इकोनॉमिस्ट यहीं पे डिफरेंट आ जाते हैं, यहीं पे डिफरेंट हो जाते हैं, जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अपना एंटीसिपेटेड वाला पॉलिसी जो है उसको लाते हैं। वो कहता है कि अगर पॉलिसी जो है एंटीसिपेटेड, यानी कि लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो अनएम्प्लॉयमेंट और मनी सप्लाई वाला, अगर लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, कैसे नहीं होगा? नॉर्मल इनिशियल केस तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, इस डायग्राम को भी मत देखना, ठीक है, इस डायग्राम को मत देखना, सिर्फ इसको देखो। इनिशियल केस तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, इनिशियल लेवल से हमारा डिमांड इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई जैसे ही आएगा डिमांड मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, डिमांड मेरा इंक्रीज होने के बाद ऑब्वियसली फिर मेरा आउटपुट और प्राइस सब कुछ बढ़ेगा, आउटपुट प्राइस बढ़ने के बाद हमारा जो लेवल है एम्प्लॉयमेंट का वो बढ़ेगा, वेज रेट है हमारा वो बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब मेन चीज क्या होता है यहाँ पे, अब क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो हमारा पहले से ही एक्सपेक्टेड मनी सप्लाई जो इंक्रीज हो गया, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे, जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब जो भी एक्सपेक्टेड लोग कर सकते हैं वो सारी चीजों का एक्सपेक्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ अपना डिसीजन देंगे या फिर अपना एक्सपेक्टेशन बनाएंगे कि हाँ इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उन सब में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रिफॉर्म, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर अपना मनी सप्लाई का एक्सपेक्टेशन, इन सारे चीजों के एक्सपेक्टेशन। तो लोगों की मनी सप्लाई की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, जैसे उनको लगा कि हाँ अब पॉलिसी मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में आ सकता है, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। एक्सपेक्टेशन बढ़ने के बाद क्या हो गया, एस कर्व यानी कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। देखो ये कर्व जो है ये इधर चला गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा जो एनएस यानी कि लेबर सप्लाई कर्व है वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, इनिशियली हमारा आउटपुट मनी सप्लाई जब आया तब आउटपुट इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद आउटपुट को हम लोग देख रहे हैं कि वो बैक टू नॉर्मल स्टेज में आ रहा है, बट हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है और वे बहुत ही ज्यादा रेट से इंक्रीज हो जा रहा है। सिमिलरली इसमें वेज रेट जो है वो हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। इस डायग्राम को हम लोग नहीं देखेंगे, बिकॉज ये डायग्राम मैंने इंटेंशनली बनाया कुछ और चीज को दिखाने के लिए। स्टिल तो यहां पे देखो, हमारा W0 से W1 में पहले एक प्राइस गया एंड इसके बाद प्राइस W2 में गया सीधे, यानी कि जैसे हमने देखा कि एक्सपेक्टेड मनी सप्लाई मेरा हो गया है, लोग एक्सपेक्ट करने लगे कि इतना इन्फ्लेशन होगा, इतना इन्फ्लेशन होगा, उसके बाद लेबर सप्लायर्स क्या किए, वो सप्लाई जो है वो थोड़ा सा उनका सप्लाई में लेफ्ट और शिफ्ट हो गया, यानी कि सप्लाई को वो थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ज्यादा अगर लेबर सप्लाई करेंगे तो हमको भी ज्यादा वेज रेट देना पड़ेगा, उतना वेज रेट वो देंगे नहीं। एट द सेम टाइम जो लेबर डिमांड था वो भी देखो, हमारा एनएस नॉट से एनएस वन हुआ पहले नॉर्मली, और उसके बाद एनएस टू में आ गया, यानी कि एनएसडी टू में आ गया, यानी कि लेबर डिमांड जो है वो भी मेरा इंक्रीज होकर एनएसडी टू में आ गया, एंड लेबर सप्लाई जो है वो भी मेरा इंक्रीज होकर एनएस वन में आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही चीज में शिफ्ट हुआ। अब देखा क्या गया, शॉर्ट टर्म में भी बता रही है, शॉर्ट टर्म में बता रही है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में ही आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों जो ही है वो बैक टू नॉर्मल स्टेज आ गया, बट वेज रेट और प्राइस ये दोनों ही इंक्रीज हो गया। ठीक है,
तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जब भी एंटिसिपेटेड होगा ना, यानी कि लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उससे एक धारणा बना लेंगे लोग कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है तो होगा, ये इतना महंगाई बढ़ेगा, तो उससे लेबर सप्लायर भी अपना लेबर भी कम सप्लाई करेंगे, लोग आउटपुट को कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, बिकॉज सबको पता है कि भाई ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा ज्यादा काम कराने के लिए, तो आउटपुट को कम करना पड़ेगा, प्राइस ज्यादा ऑटोमेटिकली प्राइस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये डायग्राम जो मैं बता रहा था, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बट स्टिल ये डायग्राम जो मैं बता रहा था ये मैं क्यों बनाया हूं, तो देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या है, इस डायग्राम में मैंने देखो तीन कर्व बनाए हैं, तीन डिमांड कर्व बनाए हैं, ठीक है ना, एंड तीसरा जो डिमांड कर्व है वो हमारा दूसरा सप्लाई कर्व से जाके नॉर्मल स्टेज में, यानी कि इनिशियल जो लेवल था उसी लेवल को देखते हुए हमने ये चीज को ड्रॉ किया है। बट एग्जाम में प्रॉब्लम क्या होता है, जो मेरे साथ इनफैक्ट हुआ भी था, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो ये जो हमने W नॉट से W वन तक किया ना, फिर देखो यहाँ पे हमने दो डिमांड कर्व सिर्फ बनाया है, दो डिमांड कर्व किया है, एंड उसके बाद मैंने दूसरे डिमांड कर्व को ही नॉर्मल जो लेबर सप्लाई कर्व है उससे दिखा दिया, तो इट्स जस्ट फॉर द एग्जाम्स कि ये गलती आप लोग मत करना, ठीक है। पता चला हम लोग एक्सप्लेनेशन में तो लिख दिए बट हम लोगों ने डायग्राम को गलती बना दिया, तो ऐसा गलती मत करना। तो आई होप इसमें सब कुछ क्लियर होगा, ये था हमारा रैशनल एक्सपेक्टेशन का थ्योरी। अगर कुछ भी समझ ना आया, ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट लाइक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बारे में, लाइक जैसा कि वो मेन चीज ये है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये सारी चीज कहे हैं, बाद में जाके पता चलता है कि ये सारी चीज उन्होंने बहुत फुद्दू चीज कहे थे, बिकॉज वो एक्चुअली क्या हुआ, वो अपने ही बातों में उलझ के रह गए। हालांकि ये स्टोरी बहुत बड़ा है, अगर आप लोग को स्टोरी जानना हो तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट में लिख दूंगा, पिन कर दूंगा, उसको पढ़ लेना वहां से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ओनली किसी एक ने भी अगर कहा कि हाँ सर मेरे को जानना है स्टोरी, ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। तो अभी तक इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर फेसबुक पेज में भी जाके आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।